क्यों तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत ही सरल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? यहां पे बच्चों हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, बट बच्चों यहां पे वही जो हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक मिल रही थी वहां पे हम लोगों को किसमें इमिजन स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहा था, स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रही थी, वही हमें यहां पे नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? वही स्पेसिफिक वेवलेंथ जो इमिजन स्पेक्ट्रम में मिल रही थी वही हमें यहां पे नहीं मिलेगी। मान लेते हैं वहां पे अगर रेड वेड मिल रही थी तो यहां पे रेड वेड नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या हो रहा है यहां पे। हम लोगों ने झोला भर के क्या किया, झोला भर के नहीं, हमने क्या किया, किसी एक चैंबर में मैंने कोल्ड एटॉमिक गैस ले ली, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे करंट से। यहां पे हम लोग हीट पीट कुछ नहीं करेंगे, यहां पे सीधा हमने व्हाइट लाइट को पास करा दिया। कंपलसरी नहीं है व्हाइट लाइट को, आप अल्ट्रा वायलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने पास कराया। अब जैसे ही इसमें पास कराया हम लोगों ने सोचा कि भैया जितनी पास करा रहे हैं उतनी ही लाइट मिल जाएगी। मतलब कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं, व्हाइट लाइट में जितनी भी लाइट होती है सबकी सब मिल जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इसमें से पास हुआ और ये ट्रांसमिट हुआ, यहां से निकली और हम लोगों ने प्रिज्म से पास कराया, प्रिज्म क्या करती है जितनी भी लाइटें होती हैं उनकी सारी वेवलेंथ को बांट देती है और यहां पे क्या कर देती है, यहां पे स्क्रीन पे शो करने लगता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा बच्चों कि यहां पे जो स्क्रीन बनाई हमने और हमने देखा, ये मान लेते हैं यहां पे कोई स्क्रीन मैंने ऐसे बना दी, हमने देखा हमें सारी वेवलेंथ मिल रही थी, बट बीच बीच में कुछ कुछ डार्क लाइन आ जा रही थी। क्या आ रही थी? डार्क लाइन आ जा रही थी। मतलब कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें नहीं मिल रही थी। मतलब क्या? कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है, और सारी की सारी वेवलेंथ मिल रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे लिखा हेयर वी गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या मतलब? हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है बट इन विच सम स्पेसिफिक, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग है, जो कि बच्चों प्रेजेंट है किसमें, इमिजन स्पेक्ट्रम में। वही क्या है हमारी, वही प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इस चीज को और एक तरीके से अच्छे समझ सकते हैं। द स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट अपीयर हो रही थी किसमें, इमिजन स्पेक्ट्रम में, दो सेम वेवलेंथ आर मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग रहती है। देख रहे हैं यहां पर ये सब मिसिंग है, ये सब क्या हो रही है, मिसिंग है, और यही वेवलेंथ क्या हो रही थी, वहां पर मिल रही थी। मान लेते हैं अगर ये 4000 एंगस्ट्रॉम की यहां पर हमें नहीं मिल रही है तो वहां पे मिलेगी। मान लेते हैं यहां पे 4800 वाली हमें नहीं मिल रही है तो वहां पे मिलेगी। मान लेते हैं यहां पे 500 वाली मिल नहीं रही है तो वहां पे मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है यहां पे। कुछ नहीं बच्चों, यहां पे हमने क्या लिया, एक गैस लिया, गैस का एटम लिया है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस का एटम लिया, और यहां से हमने व्हाइट लाइट पास कराई। यहां पे एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी खा ले रहा है, समझ गया, खा ले रहा है। तो यहां पे जैसे ही व्हाइट लाइट यहां से अंदर पास करी, मान लेते हैं यहां पे क्या हुआ, व्हाइट लाइट में क्या, फोटोन में क्या, एनर्जी। इसमें क्या किया, यहां पे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कोई फोटोन भाग गया, साथ निभाना साथिया चल रहा है यहां पे। मतलब यहां पे कोई एनर्जी से अच्छी लगने लगी, अच्छी का मतलब उसी के साथ ये रिश्ता बनाना चाहता है, समझ रहे ना, प्यार, ठीक है, समझ रहे। तो इसने क्या किया, एक स्पेसिफिक फोटोन जो इसे बहुत अच्छा लग रहा था, समझ में आ रहा है, ठीक है, और उसी को इसने पकड़ लिया और खा लिया। और खाने के बाद क्या किया, ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, इस पे भी चला जाएगा, हो सकता है इसमें भी चला जाए, ठीक है। तो जो अच्छा लगेगा वही एनर्जी खा लेगा, और जिस एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी हायर लेवल में जाएगा उसी, अब समझिए यहां पे वही फोटोन ये खाएगा। समझिए यहां पे कि यहां पे जो एनर्जी ये खा रहा है वो किसके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, एनर्जी लेवल्स, जिस एनर्जी लेवल पे जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है लोअर एनर्जी से, ठीक है। तो समझिए En2-En1 वाली एनर्जी है ये खाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये 1 से 2 पे जा रहा है तो एनर्जी गैप जितना होगा उतनी एनर्जी
खा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहां पे देखा कि एनर्जी कुछ खा ले रहा है ये, ठीक है ठीक है, खा ले रहा है और फिर बाद में ट्रांसमिट कर रहा है। अब कोई एनर्जी खा ले रहा है मतलब कोई फोटोन खा ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कोई जो लाइट थी स्पेसिफिक लाइट खा ले रहा है, और खाने के बाद देख रहे हैं अगर खा लिया तो यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? लड्डू उड्डू खरीदने गए हैं कभी तो वहां पे आप कभी कदार क्या होगा, लड्डू के अंदर मान लेते हैं बहुत सारी व्हाइट लाइट है और उसमें से आप क्या करते हैं एक लड्डू खा लेते और घर पे लाके दिखाते हैं, है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे स्पेसिफिक आपको नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक वेवलेंथ के नहीं मिल रहे हैं और सब मिल रहे हैं, तो इसी को कहा गया वी गेट सम डार्क लाइन स्पेक्ट्रम। यहां पे क्या मिलता है? कुछ डार्क लाइन के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जिस जहां से जिस हमारे एनर्जी लेवल पे जाएगा ये, ठीक है, उन दोनों के बीच के जो एनर्जी होगी, एनर्जी डिफरेंस होगी, उतनी ही एनर्जी का फोटॉन खाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई? और फिर यहां पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।